जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा से उम्मीदवार रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले हवन किया। जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इस बीच नतीजे सामने आने से पहले और मतगणना शुरू होने से पहले अपनी जीत की उम्मीद लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा से उम्मीदवार रविंद्र रैना ने पूजा अर्चना की। इसी कड़ी में रविंद्र रैना ने कहा, हमें उम्मीद है कि हम पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल और बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र सहयोगी दलों के साथ यहां मिलकर बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल में तो सिर्फ एनसी कांग्रेस का बढ़त, चलिए चंद घंटों का खेल बचा है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारी सरकार ने यहाँ काम किए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली आई है, जम्मू कश्मीर ने डेवलपमेंट के नए मकाम छुए हैं, यकीनन जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को समर्थन देगी। अब चंद घंटों का खेल बना है, गिनती वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और मित्र सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनेगी। नॉमिनेटेड जो है उस पे अपोजिशन का कहना है कि ये गलत हो रहा है, बीजेपी के उसमें नॉमिनेशन वाले लोग आ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए का प्रावधान जम्मू कश्मीर विधानसभा में है वो देश के संसद में पास किया गया कानून के मुताबिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शामिल है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को आज याद आया कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलए विद वोटिंग राइट्स है, तब क्या कांग्रेस पार्टी सो रही थी? तब क्या विपक्ष सो रहा था जब देश के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा हुई और उसी बिल में 5 नॉमिनेटेड एमएलए का प्रोविजन था? तब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कहां था? तब उन्होंने देश के संसद में इसकी चर्चा क्यों नहीं की? और आज जब सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस और विपक्ष को तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो जहां मर्जी जाएं। ये तो देश के पार्लियामेंट में पास किया गया कानून है। तब सो रहे थे श्री राहुल गांधी जी और विपक्षी नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो तब देश के पार्लियामेंट में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे। कांग्रेस विपक्ष में थी जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, तब कांग्रेस पार्टी ने वहां आवाज क्यों नहीं उठाई? और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है तो कांग्रेस फिर से षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस के षड्यंत्र को पूरा देश देख रहा है। ये कांग्रेस पार्टी देश के साथ गद्दारी कर रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.